Duniyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मीका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर वन गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। एक मुल्क पर कब्जे के लिए कोई क्या कर सकता है? क्या कोई क्रूरता दिखाते हुए एक छोटे बच्चे का परिवार समेत अपहरण कर सकता है? और ये अपहरण करने वाला कोई मिलिशिया नहीं, कोई अपराधी नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, अगर पूरा का पूरा एक देश और उसकी सरकार हो तो क्या? और इन सब का हमारे दलाई लामा से, बौद्ध धर्म से, तिब्बत से, चीन से क्या संबंध है? और आज की तारीख में मैं ये किस्सा आपको सुनाने क्यों बैठ गया हूँ? कहानी तो एक जहाज के डूबने की भी है जिसके बाद दूसरी वर्ल्ड वॉर हमेशा के लिए बदल गई। ये सब आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। दुनियादारी में बड़ी खबर आएगी, दुनियादारी में आज की तारीख का किस्सा आएगा, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी दुनिया से जुड़ी है। जी, कोरोना के मामले अब 50 लाख से ऊपर चले गए। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा नए मामले आए। कोरोना की शुरुआत से अब तक एक दिन में हुई ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। इस बीच अमरीका के एक टॉप साइंटिस्ट विलियम हेसलटाइन, उन्होंने लोगों को कोरोना वैक्सीन से उम्मीद न बांधने की सलाह दी। उनका कहना है कि ये वैक्सीन कब आएगी, कितनी इफेक्टिव होगी, नहीं कहा जा सकता। उनकी सलाह है, लोग वैक्सीन से जुड़े नेताओं के झूठे आश्वासन पर भरोसा ना करें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे तरीकों से खुद का बचाव करने पर जोर दें। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान से है। यहाँ पिछले दिनों दो लड़कियों का एक वीडियो वायरल हुआ। एक लड़की 18 साल की, दूसरी 16 साल की। वीडियो में एक आदमी उन्हें चूम रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पिछले हफ्ते इन दोनों लड़कियों का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने अब इस केस में मोहम्मद असलम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। असलम उन दोनों लड़कियों का रिश्तेदार है। ये कथित ऑनर किलिंग का मामला बताया जा रहा है। तीसरी सुर्खी चीन से है। कोरोना फैलने के बाद जनवरी 2020 में वुहान ने वन्य जीवों की बिक्री पर तात्कालिक रोक लगा दी थी। इस रोक को अब फाइनल शक्ल दे दी गई है। 21 मई को वुहान के स्थानीय प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया। इसके तहत अब वुहान में ये जो जंगली जानवर हैं, इनका मांस बिकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इनको खाना, इनका शिकार करना, इनकी ब्रीडिंग करना, ये भी गैर कानूनी होगा। इस कानून में वन्य जीवों के अलावा संरक्षित श्रेणी में आने वाले जीव भी शामिल हैं। ये कानून फिलहाल 5 साल के लिए बनाया गया है, वो भी सिर्फ वुहान के लिए। लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में लागू हो जाए तो भला हो, शायद कोई कोरोना जैसी दूसरी बीमारी ना निकले। ये थी सुर्खियां। अब बारी बड़ी खबर की। बौद्ध धर्म में एक कथा है। कहते हैं प्राचीन काल में एक राजा हुआ, उसका नाम था धर्मकारा। बुद्ध के प्रभाव में आकर उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी, भिक्षु बन गए, बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। उनका नाम पड़ा अमिताभ, माने अनंत प्रकाश। पारंपरिक बौद्ध चित्रों में कई बार आपने लाल रंग की देह वाले ध्यानरत बुद्ध की छवि देखी होगी, वो अमिताभ हैं। इन्हीं अमिताभ से उद्गम हुआ तिब्बती बौद्ध धर्म की पंचेन लामा परंपरा का। ये पंचेन लामा, पंचेन क्या होता है? पंचेन दो शब्दों का मेल है, पंडित और चेनपो। पंडित माने बौद्ध धर्म के 5 विज्ञानों का ज्ञाता। कौन से 5 विज्ञान? शब्द विद्या, हेतु विद्या, चिकित्सा विद्या, शिला कर्म स्थान विद्या और आध्यात्म विद्या। इनको मिला के जो इन 5ों का विद्वान, वो पंडित। और चेनपो शब्द का अर्थ है महान, यानी पंचेन लामा का अर्थ महान पंडित या महान विद्वान। तिब्बती बौद्ध परंपरा में पंचेन लामा एक पद है। वरीयता में यह दलाई लामा के बाद दूसरे नंबर का पद है। दलाई लामा को आप समझिए करुणा का अवतार, और पंचेन लामा माने ज्ञान का अवतार। तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु पंचेन लामा की गद्दी कहां पर है? ताशी लुनपो मठ में। यह मठ कहां है? यह है तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगास्ते में, राजधानी लासा से करीब 280 किलोमीटर दूर। यह मठ और यहां स्थापित पंचेन लामा की गद्दी चीन की कम्युनिस्ट सरकार के लिए एक चाबी है, वो चाबी जिसके सहारे चीन तिब्बत पर कब्जा करने के बाद उसके धर्म को भी हाईजैक करना चाहता है। इस चाबी की मुख्य पटकथा जुड़ी है 17 मई 1995 से। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन चीन की सरकार ने 6 साल के एक बच्चे को
किडनैप किया। क्यों किया? ताकि तिब्बतियों की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करके उसकी जगह अपने चुने मोहरे को पंचेन लामा बना सके। जो बच्चा किडनैप हुआ उसे दुनिया में सबसे कम उम्र का राजनैतिक बंदी कहा जाता है। चीन ने उसके साथ क्या किया, वो कहाँ है, कोई नहीं जानता। इतने वर्षों में किसी ने उसकी एक झलक तक नहीं देखी। 17 मई 2020 को इस किडनैपिंग के 25 साल पूरे हो गए। इतने सालों बाद जाकर अब 20 मई 2020 को चीन ने उस लड़के के बारे में दो शब्द कहे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान के मुताबिक उस लड़के ने अब ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और उसे नौकरी भी मिल गई है। लेकिन हम नहीं जानते कि चाओ लिजियान सच कह रहे हैं या नहीं। सच पूछे तो यह पता लगाने का कोई जरिया भी नहीं। लेकिन चीन पर एतबार न करने से जुड़े ठोस तथ्य जरूर उपलब्ध हैं। ये तथ्य बताते हैं कि आखिरकार क्यों एक सरकार किडनैपर बन गई, क्यों उसे 6 साल के एक बच्चे का अपहरण करने की सूझी, क्या थी इस किडनैपिंग की असल मंशा। लेकिन ये सब बताने के लिए हमें हमेशा की तरह शुरू से शुरू करना होगा। लोबसांग, त्रिनले, लुंद्रोप, ग्यालस्तर, ये थे तिब्बत के 10वें पंचेन लामा। मार्च 1959 में जब दलाई लामा चीन से बचकर भारत आए तो पंचेन उनके साथ नहीं थे, वो वहीं तिब्बत में रुक गए। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अब उसे तिब्बतियों की पहचान भी मिटानी थी, उनकी धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं को नष्ट करके उनका चीनीकरण करना था। इसके लिए चीन ने कई सतहों पर काम किया। मसलन 1967 से 1976 के बीच कल्चरल रिवोल्यूशन के नाम पर माओ सरकार ने तिब्बत की पहचान को कुचला। इस कथित क्रांति के 4 लक्ष्य थे: प्राचीन परंपराएं, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन आदतें और प्राचीन विचार, इनको बदलना। जैसे कभी बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा के महान पुस्तकालय को आग में झोंक दिया था, वैसे ही चीन ने तिब्बत में किया। सैकड़ों साल पुरानी बौद्ध पांडुलिपियों को स्वाहा कर दिया, कई मठ नष्ट कर दिए, कई बौद्ध भिक्षु और लामा और नागरिक मार डाले गए। तिब्बत को कुचलने के लिए चीन यहीं तक नहीं रुका। उसको लगा कि यह जरूरी है कि दलाई लामा की प्रतिष्ठा मिटाई जाए। लेकिन दलाई लामा तो भारत में शरण ले चुके थे और वहीं से दुनिया में घूम घूम कर तिब्बत के साथ हो रहे सलूक पर बातें कर रहे थे, चीन को चुनौती दे रहे थे। चीन के दुष्प्रचार तंत्र ने दलाई लामा की छवि खराब करने की अनंत कोशिशें की लेकिन कामयाब नहीं हुए। पूरे हिमालयन और बौद्ध बेल्ट में दलाई लामा का प्रभाव बना रहा, अभी भी है। ऐसे में चीन को समझ में आया कि उसे दलाई लामा समेत बाकी बौद्ध परंपराएं हाईजैक करनी होंगी, उन्हें कोऑप्ट करना होगा। और इसके लिए एक अहम चाबी थी पंचेन लामा का पद, क्योंकि दलाई लामा के चुने जाने की प्रक्रिया में पंचेन लामा की अहम भूमिका होती है। चीन को यह मौका मिला जनवरी 1989 में, जब रहस्यमयी परिस्थितियों में 10वें पंचेन लामा की मौत हुई। कई लोग कहते हैं पेचिंग ने जहर देकर उनकी हत्या की ताकि उनकी मौत के बाद 11वें पंचेन लामा के चुनाव में मनमानी की जा सके। लेकिन ये पंचेन लामा जिनके लिए इतनी रस्साकशी हो रही है, ये चुने कैसे जाते हैं? तिब्बत में बौद्ध धर्म की महायान शाखा मानी जाती है। इसके मुताबिक बोधिसत्व दोबारा जन्म लेते हैं ताकि इस मृत्यु लोक की पीड़ा, इसके कष्ट फिर से अनुभव कर सकें। ये लौकिक पीड़ा भोगने का अनुभव बुद्धत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया में बहुत अहम माना जाता है। इसलिए दलाई लामा और पंचेन लामा के चुनाव की प्रक्रिया भी पुनर्जन्म के सिद्धांत पर चलती है। पद का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका जवाब कई तरह के रहस्यमय संकेतों में खोजा जाता है। मसलन मौजूदा पंचेन लामा का शव किस दिशा में मिला, उनका सर किस दिशा में झुका हुआ था, इन सब संकेतों को बूझने के लिए एक सर्च कमेटी बनाई जाती है। और इसके मुखिया कौन होते हैं? ताशी लिनपो मठ के मठाधीश। माना जाता है कि उन्हें सपने में कई तरह के संकेत मिलते हैं जिनकी व्याख्या भी इस चुनाव प्रक्रिया का अहम हिस्सा होती है। उस समय इस पद पर थे 10वें पंचेन लामा के करीबी शिष्य चाद्रेल रिनपोचे। चीन की सरकार ने उन्हें अगले पंचेन लामा की तलाश करने वाली सर्च कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया। जरूरी था कि दलाई लामा इस उत्तराधिकारी के नाम पर अपनी मुहर लगाएं। लेकिन चीन की सरकार दलाई लामा को इस प्रोसेस से दूर रखकर अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनना चाहती थी। चाद्रेल रिनपोचे ने ऐसे में क्या किया? उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का ब्यौरा निर्वासन में रह रहे दलाई लामा तक भिजवा दिया। फिर हुआ एक खेल। 14 मई 1994 को दलाई लामा ने 11वें पंचेन लामा के नाम का ऐलान कर दिया। जिस 6 साल के बच्चे को नया पंचेन लामा चुना गया था उसका नाम था गेधुन चोइकी नियमा।
इसकी प्रतिक्रिया में 3 दिन बाद 17 मई 1994 को चीन ने वो किया जिसे खुलेआम करने का साहस कोई भी नैतिक और संप्रभु सरकार कभी नहीं करेगी। चीन ने उस 6 साल के बच्चे को सपरिवार किडनैप कर लिया। चीन ने कहा कि वो गेधुन चोएकी को पंचेन लामा नहीं मानता। इसके साथ साथ मठाधीश चाद्रिल रिनपोचे को भी जेल में डाल दिया गया। फिर चीन बोला, असली पंचेन लामा का चुनाव हम करेंगे और इसके लिए स्वर्ण कलश वाला एक प्राचीन सिस्टम इस्तेमाल हुआ। क्या था यह सिस्टम? 18वीं सदी में चीन का चिंग साम्राज्य यह सिस्टम लेकर आया था। इसमें क्या होता था कि एक से अधिक संभावित उम्मीदवारों के नाम की पर्ची एक कलश में रख दी जाती थी, फिर उनमें से एक नाम की पर्ची उठाई जाती थी। इस सिस्टम का इस्तेमाल पहले भी कुछ बार हो चुका था, लेकिन तब जब नामों में या संकेतों में या सर्च कमेटी के चुनावों में कंफ्यूजन हो। आखिरी फैसला इसमें हमेशा दलाई लामा का ही रहता था, लेकिन चीन ने इस दफा दलाई लामा वाले पार्ट की अनदेखी की। नवंबर 1994 में स्वर्ण कलश प्रक्रिया को लॉटरी के रास्ते पूरा किया गया और उससे 11वें पंचेन लामा के लिए एक 5 साल के बच्चे का चुनाव कर लिया गया। इस बच्चे का नाम था चोस्की रग्यालपो। अब दो दो पंचेन लामा हो गए, एक तो तिब्बती वर्जन जिसे दलाई लामा ने चुना, दूसरा चीन का सरकारी संस्करण। तिब्बती वर्जन को चीन ने किडनैप कर लिया और उसके बारे में 20 मई को पहली खबर दी कि वो पढ़ गया है, नौकरी कर रहा है। और चीन का संस्करण, उसकी तो कोई वैधता ही नहीं। यहां तक कि चीन के कब्जे वाले तिब्बत में भी सरकारी संस्करण वाले जो पंचेन लामा हैं उन्हें खारिज किया जाता है। चीन ने सरकारी पंचेन लामा के साथ क्या किया? उन्हें राजधानी पेचिंग में रखकर पढ़ाया लिखाया, चाइनीज तौर तरीके सिखाए। वो 24 घंटे सरकारी घर में रहते हैं, घेरे में रहते हैं, अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते, विदेश मीडिया से बात नहीं कर सकते और अपने समर्थकों से, दूसरे भिक्षुओं से भी नहीं। जबकि तिब्बती परंपरा से चुने गए लामा में क्या होता था, उन्हें खूब घूमने दिया जाता था, खूब पढ़वाया जाता था, साथ ही लामाओं से खूब बातचीत करने के लिए प्रेरित किया जाता था, अलग अलग मठों में वो जाते थे। लेकिन चीनी प्रोपेगेंडा वाले पंचेन लामा को ऐसी कोई आजादी नहीं है। चीन ने उन्हें एक पॉलिटिकल सिंबल बनाकर रखा है जिसका इस्तेमाल सरकार तिब्बत और तिब्बत संबंधी मामलों में दुनिया के सामने अपनी अथॉरिटी साबित करने के लिए करती है। और तिब्बतियों के चुने पंचेन लामा 17 मई 1995 के बाद उन्हें और उनके परिवार को किसी ने नहीं देखा। चीन की सरकार के सिवा कोई नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं। चीन कहता है सुरक्षा की खातिर उनकी पहचान गुप्त रखी गई है। बाहर की दुनिया में रह रहे तिब्बती उनके छुटपन की वही एक इकलौती तस्वीर लिए जगह जगह प्रदर्शन करते हैं। कई लोगों ने सॉफ्टवेयर की मदद से उनके अनुमानित चेहरे भी बनाए। हर साल उनके जन्मदिन 25 अप्रैल और किडनैपिंग वाले दिन यानी कि 17 मई को तिब्बती उन्हें रिहा किए जाने के लिए प्रदर्शन करते हैं। अमरीका, कनाडा समेत कई देशों ने भी समय समय पर चीन से कहा है कि वो तिब्बती पंचेन लामा को रिहा करें, लेकिन इन अपीलों का चीन पर कोई असर नहीं। आप यूं समझिए, कैदी तो दोनों ही पंचेन लामा चीन के हैं, लेकिन ऐसा करने के पीछे चीन की असल मंशा है क्या? ये मंशा है राजनीतिक। कैसे? दलाई लामा यानी तिब्बती बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी अथॉरिटी, मौजूदा दलाई लामा इस परंपरा के 14वें वारिस हैं। 1950 में चीन ने जब तिब्बत पर हमला किया, उसके बाद 1959 में दलाई लामा जब वहां से भागकर भारत आए, तब उनकी उम्र थी 24 साल। बीते 61 सालों में वो कभी तिब्बत नहीं लौट पाए। अब वो 84 साल के बुजुर्ग हैं। देर सवेर कभी उम्र पूरी होने पर नए दलाई लामा के चुनाव का समय आएगा। मौजूदा दलाई लामा को कभी चीन कंट्रोल नहीं कर पाया। कहता है कि दलाई लामा अलगाववादी हैं, और दलाई लामा वो कहते हैं कि वो तिब्बत के लिए बस ज्यादा स्वायत्तता चाहते हैं। चीन तिब्बत के इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है और इसलिए वो अपने चुने गए पंचेन लामा को इस्तेमाल करने की फिराक में है। जिस तरह पंचेन लामा के चुने जाने की प्रक्रिया में दलाई लामा की अहम भूमिका होती है, वैसे ही अगले दलाई लामा के चुनाव में पंचेन लामा का अहम रोल होता है। तिब्बतियों द्वारा चुने गए पंचेन लामा तक कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसे में चीन वाले सरकारी पंचेन लामा के बहाने चीन अपना मनपसंद उम्मीदवार दलाई लामा के लिए चुन सकता है। और यही वजह है कि मौजूदा दलाई लामा ने पहले ही कह दिया कि उनका उत्तराधिकारी पुनर्जन्म लेकर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि वो जीते जी अपना वारिस चुनकर जाएंगे। अपनी परंपरा को चीन द्वारा पूरी तरह हाईजैक होने से बचाने के लिए उन्हें शायद यही तरीका समझ आया है। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। हमने आपको प्रॉमिस किया कल से कि जिस तारीख का एपिसोड, उस तारीख को दुनिया की हिस्ट्री में क्या हुआ ये भी बताएंगे, एक किस्सा सुनाएंगे। तो अब किस्से की बारी। आज तारीख है 21 मई।
आज से ठीक 79 साल पहले 1941 के 21 मई की बात है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका तब इस जंग से बाहर था। उस दिन रॉबिन मूर नाम का एक अमरीकी जहाज केपटाउन शहर की तरफ बढ़ रहा था। जहाज पर अमेरिका का झंडा लगा था, साथ साथ शांतिकालीन सफेद झंडा भी लगा था। यह इस बात का संकेत था कि इस जहाज का दूसरे विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं। बीच समंदर इस जहाज की मुलाकात हुई जर्मनी की नौसेना से। जर्मनी की नौसेना ने कहा, हम तुम्हारा जहाज डुबोएंगे। रॉबिन मूर पर सवार करीब 46 लोगों को तब जीवन रक्षक नौकाओं के सहारे निकल जाने के लिए कुछ मिनटों की मोहलत दी गई और फिर जर्मन पनडुब्बी ने टॉर्पीडो मारकर रॉबिन मूर को समंदर की तलछटी में पहुंचा दिया। जब रॉबिन मूर के अंजाम की खबर अमेरिका तक पहुंची तो लोग बौखला गए। इस प्रसंग ने वहां बड़ी बहस शुरू की। लोग बातें करने लगे कि अमेरिका को युद्ध में शामिल होना चाहिए या नहीं। और इस बहस की परिणति 7 दिसंबर 1941 को जब जापान की नौसेना ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, अमेरिका का नौसैन्य ठिकाना। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। अगर कभी वक्त मिले तो घटना के समय रॉबिन मूर पर सवार मरीन अफसर जॉन बेनिगन की लिखी किताब हाउ टू अबेंडन अ शिप पढ़िएगा। कहते हैं इस किताब ने आने वाले बरसों में कई जहाजियों की जान बचाई। दुनियादारी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचारित करने में हमारी मदद करिए। आपकी लंबे अरसे तक शिकायत रही कि दुनिया भर की खबरें भी तो दिया करो, और आपकी उसी शिकायत और उसी आदेश का नतीजा है दुनियादारी। शुक्रिया।